this side Neha Verma from IELTS Tracker. So have you ever wondered that how a 9-band student prepares his or her cue card? And कई बार ये भी होता है कि जो आपको rough sheets मिलती हैं cue card को prepare करने के लिए, these go totally blank. Why? And students are still delivering 7+ speaking. So what is the reason behind that? Let's check it out. So suppose that we have a cue card about tell something you do to stay focused on work or study. और ये cue card December 2018 का है. I'm gonna tell you. So ऐसी कोई एक्टिविटी आप करते हैं कोई भी जिससे आप वर्क और स्टडी पे फोकस कर सके. सो द आइडियाज आर दैट वी हैव, द हिंट्स दैट वी हैव, व्हाट यू डू, अब आप क्या करते हो जिससे आप अपनी वर्क या स्टडी पे फोकस कर सको. एंड देन हाउ ऑफन यू डू, आप कितनी बार करते हो. द लास्ट इज हैज इट मेड एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई डिफरेंस आया है, इस एक्टिविटी से कोई डिफरेंस आया है. सो हाउ अ बैंड 9 स्टूडेंट प्रिपेयर्स दिस क्यू कार्ड, द मेथड दैट दे अप्लाई इज ट्री मेथड. ट्री मेथड है क्या, जैसे ट्री है, ट्री की फर्दर ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही हम यहाँ पे आइडिया पिक करेंगे यहां से. व्हाट यू डू, क्या करते हैं, वहां से हम और आइडियाज क्रिएट करेंगे. सिमिलरली हाउ ऑफन यू डू, कितनी बार करते हैं, उससे भी हम फर्दर सब आइडियाज क्रिएट करेंगे. एंड सिमिलरली विद द लास्ट. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द ट्री मेथड. So let's discuss how we can apply the tree method. इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी, जो इससे पहले आपको मैंने Pepperfry method बताया था in my video, that is how to prepare your cue card in less than 60 seconds. But ये जो वो method है Pepperfry method, it depends on the cue card. तो cue card कैसे का है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा method apply कर सकते हैं. So now let's discuss the tree method. और इससे पहले मैं ये टिप देना चाहूंगी कि इंट्रोडक्शन प्लीज दिया करो अपने क्यू कार्ड में, बिकॉज यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स. तो थोड़ा सा मींस यू कैन से 15 सेकंड्स यू कैन गिव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, अब हमारा जो क्यू कार्ड था इट वॉज अबाउट टेल समथिंग दैट यू डू टू स्टे फोकस्ड ऑन वर्क और स्टडी. तो मैंने स्टडी लिया है, और अब उससे पहले मैंने फोकस वर्ड पिक किया है क्यू कार्ड में से. सो focus is what, it is a base of every activity. Then if anyone wants to achieve his or her target, focus holds the utmost importance. ye ho gaya mera introduction. Then I'm going to talk about that, what I'm going to talk further. So ab hamara next hint kya tha question mein, what you do. ab iske liye main bataungi that I do meditation. ab maine meditation word ye pick kiya. अब उसके बाद मेडिटेशन के लिए क्या क्या है, ये एक्सरसाइज है या योगा है. अब एक्सरसाइज है योगा, अब अगर मेडिटेशन कहीं से पता तो लगा होगा ना, कहां से आपके मेडिटेशन आपके माइंड में कैसे आ गए, कहीं पे तो देखा होगा. अब हम सोर्स की बात करेंगे, कहां से आपको पता लगा. अब मैं यहां से एक और आइडिया डिराइव करूंगी, दैट इज पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, या आप टीवी इंटरनेट की भी बात कर सकते हो. ठीक है, अब उसके बाद एक मेडिटेशन है या कोई एक्सरसाइज है, तो आप कहीं तो करते होगे ना. तो I have talked about the place. अब प्लेस में सिर्फ क्या आता है आगे, आइडिया, इंडोर या आउटडोर. अब इंडोर है तो रूम में, अब रूम में क्यों करते हो, यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं. अगर आउटडोर करते हो तो कहाँ करते हो हम, अब ये भी आप कह सकते हो कि अगर आप यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हो कैसे, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आउटडोर करता हूँ, मुझे घर पे नहीं पसंद करना, क्यों नहीं है, यू कैन मेक आउट दी कंपेरिजन. सो आप देख सकते हो मैंने एक ही, मतलब एक एक वर्ड से मैंने आगे फर्दर सब आइडियाज क्रिएट किए हैं. सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम क्यू कार्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ ऑफन यू डू, अब कोई टाइम होगा पर्टिकुलर उस एक्टिविटी को करने का, यू कैन से डेली और ऑन ऑल्टरनेट डेज, इनमें से आप एक भी कोई भी चूज कर सकते हो. अब यहां से मैं एक और आइडिया निकाल सकती हूँ कि अगर डेली करती हूँ तो कोई तो टाइम होगा ना जिस टाइम मैं करती हूँ, तो मॉर्निंग या इवनिंग आप आगे फर्दर सबडिवाइड कर सकते हो इसको. अगर मॉर्निंग में करते हो तो क्यों करते हो, इवनिंग में करते हो तो क्यों करते हो, तो वी कैन स्टेट अ रीजन. सो आई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं एक ही, मतलब एक एक आइडिया से फर्दर सब आइडियाज क्रिएट कर रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, हैज इट मेड एनी डिफरेंस, अब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उससे कोई ना कोई चेंज आता है. तो चेंज है तो यहां से मैं फर्दर एग्जाम्पल बता सकती हूँ उसको बताने के लिए कि कैसे चेंज आया मेरी लाइफ में मेडिटेशन को अडॉप्ट करके. सो एग्जांपल इज अबाउट मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड
प्रेजेंट। अब पास्ट में क्या होता था पहले, यू नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज। अब क्या है प्रेजेंट में, जब से आपने मेडिटेशन शुरू की है तो क्या क्या चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, पहले मैं पढ़ नहीं सकता था, मीन्स मेरी इतनी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती थी, तो अब क्या है, अब हाफ एन आवर स्टडी करता हूँ, दैट इट हैज इंक्रीज द योर रिटेनिंग पावर। अब इससे क्या है, आप ज्यादा रिटेन कर सकते हो अपने माइंड में। और इसका एग्जाम्पल देकर आप अदर एडवांटेजेस के बारे में भी बात कर सकते हो कि मेडिटेशन से और एडवांटेजेस या आपको क्या और कौन से फायदे हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन डिराइव योर आइडियाज फ्रॉम दी बेस। आई कैन से एक आइडिया से हम और फर्दर कैसे और सब आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्री मेथड एंड आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल आइल्स क्रैकर एंड और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, दोज आर स्ट्रगलिंग आइल्स, शेयर विद देम। थैंक यू एवरीवन।